Hello, children. Good morning. Say good morning, ma'am. Good morning. How are you all? Sit. I am fine. Thank you, ma'am. I'm asking again. How are you all? Say, I am fine. Thank you, ma'am. Very good. So, how was your vacation? Summer vacation. Aapke summer vacation kaise ja rahe? Nice. Very good. So, okay, now listen carefully, everyone. Sit properly. So, today your topic is festivals of India. All right, aapka aaj ka topic kya hai? Orals mein festivals of India. It means India means Bharat mein jo hum festivals hota hai aapka like त्योहार या उत्सव जो हम मनाते हैं like आपका होगा दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, दशहरा. दीज आर दी फेस्टिवल्स. ओके, तो आज का आपका टॉपिक यही है. टुडे योर टॉपिक इज फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. ऑलराइट, वेरी गुड. सो क्लैप फॉर योरसेल्फ एंड सिट प्रॉपरली एवरीवन एंड लिसन केयरफुली. ओके, सो वी आर सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स विद फन, जॉय एंड टुगेदरनेस. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट. यहाँ पे हम दो टाइप के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स. ऑलराइट, नेशनल फेस्टिवल्स का मीनिंग होता है हिंदी में राष्ट्रीय त्योहार उत्सव. एंड सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. इट मीन्स धार्मिक उत्सव या त्योहार. ओके, फेस्टिवल्स होते हैं टू टाइप के. फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल्स एंड देन सेकेंड इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. वेरी गुड. नेशनल मीन्स राष्ट्रीय एंड रिलीजियस मीन्स क्या होता है, धार्मिक. ऑलराइट, वेरी गुड. सो आई एम स्टार्टिंग विद नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, नेशनल फेस्टिवल्स के मैम बारे में बताएंगी. थ्री होते हैं आपके नेशनल फेस्टिवल. वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. ऑन रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट क्या होता है आपका, रिपब्लिक डे. ओके, जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी. 26 जनवरी में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे. वेरी गुड. थ्री टाइम रिपीट करेंगे, से रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे. से इट अगेन, रिपब्लिक डे. वेरी वेल डन. ओके, नाउ नेक्स्ट वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. ओके, सेकेंड हमारा नेशनल फेस्टिवल में क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे, जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15 अगस्त. ओके, नाउ से इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे. वेरी गुड. ओके, अगेन नाउ लास्ट इज गांधी जयंती, विच वी सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर. जो गांधी जयंती होता है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वी विल सेलिब्रेट 2 अक्टूबर. नाउ से गांधी जयंती, गांधी जयंती. वेरी गुड. से इट अगेन, गांधी जयंती. वेरी गुड. क्लैप फॉर एवरीवन. सो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो थ्री होते हैं. फर्स्ट इज रिपब्लिक, सेकेंड इज इंडिपेंडेंस एंड थर्ड इज गांधी जयंती. ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एंड भाई दूज, रक्षाबंधन. दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स, इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक एंड गांधी जयंती. वेरी गुड. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस फेस्टिवल्स. ओके, सो जो आपको मैम बुक्स के में वन बाय वन के रीड करके उनके बारे में बताएंगी कि ये फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं, विच फेस्टिवल्स इज दिस, एंड इस फेस्टिवल्स में क्या क्या किस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं. ऑलराइट, सो सिट प्रॉपरली एंड लिसन केयरफुली. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ सेकेंड इज आर क्या है हमारा, रिलीजियस फेस्टिवल्स. इट मीन्स धार्मिक उत्सव. ऑलराइट, सो दीज आर द फेस्टिवल्स
विच वी आर सेलिब्रेटेड. ओके, ये फेस्टिवल्स है, त्योहार है, उत्सव है जो हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट फेस्टिवल इज होली. ओके, होली इज अ रिलीजियस स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज. इट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विथ कलर वाटर एंड एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स. ओके, ये जो फेस्टिवल होता है होली, ये कौन सा, ये हिंदुओं का रिलीजियस फेस्टिवल होता है और इसे हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, यू नो दैट. इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के फेस में कलर्स एंड वाटर्स के साथ पिचकारी होती है, बलून्स होते हैं, उसके संग इसको खेलते हैं. ऑलराइट, एंड जो हमारे गेस्ट होते हैं वो घर में आते हैं एंड एक दूसरे को स्वीट्स खिलाते हैं. ओके, सो फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा होली. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज बैसाखी. बैसाखी में क्या करते हैं, हम येलो येलो कलर के लड्डू ईट करते हैं, खाते हैं एंड ड्रेसेस येलो ड्रेस पहनते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के पास गले मिलकर हग करके. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओनम. ओनम भी हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, फ्लावर्स के हम क्या बनाते हैं, रंगोली, वी मेड रंगोली. ओके, एंड एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ओनम भी. नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल. नेक्स्ट फेस्टिवल क्या है हमारा, रामनवमी. रामनवमी में क्या करते हैं हम चिल्ड्रन, दिस फेस्टिवल. रामनवमी में हम क्या करते हैं, राम की पूजा करते हैं, घी के दिए जलाते हैं. ओके, एंड घर में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऑलराइट, ओके, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज गुरु पर्व. ओके, ये पंजाबियों का त्योहार होता है, इसे वैसे सब रिलीजियस के लोग मानते हैं. ओके, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द सिख फेथ. ये सिख फेथ होते हैं ना जो, वो इसे मेन उनका त्यौहार होता है. ओके, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी. ये एक बर्थडे होता है किसी का, गुरु पर्व का, तो उसके लिए इसमें सेलिब्रेट होता है. ऑफ देअर फर्स्ट गुरु नानक. गुरु नानक देव जी जो होते हैं हमारे, उनका बर्थडे होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं. दैट्स व्हाई इसे बोलते हैं कौन सा त्यौहार, गुरु पर्व. ओके, दे टेक आउट अ कलरफुल प्रोसेशन heading towards the gurudwara and serve prasad. इस दिन लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं and प्रसाद खाते. ओके, सो ये कौन सा फेस्टिवल है, विच फेस्टिवल, गुरु पर्व. नेक्स्ट इज छठ पूजा. नेक्स्ट कौन सा त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है हमारा, विच फेस्टिवल इज दिस, छठ पूजा. इसमें मॉर्निंग में ही क्या होती है, गॉड की पूजा करते हैं. ओके, पानी में हाफ क्या करके, डूब कर. ओके, लोग मॉर्निंग में जाते हैं एंड गॉड की पूजा करके देन रिटर्न आते हैं इवनिंग तक. ओके, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल. नेक्स्ट इज योर रक्षाबंधन. रिपीट, से रक्षा, दिस वन बंधन. ओके ना, रक्षाबंधन में तो यू नो दैट ना क्या कहते हैं, यस, वेरी गुड. जो गर्ल होती है, बहन होती है, वो अपने भाई के हैंड में क्या करती है, एक राखी बांधती है. ओके, एंड उसे स्वीट्स खिलाती है. ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज जन्माष्टमी. जन्माष्टमी में क्या होता है, जो हमारे कृष्ण जी होते हैं, हमारे गॉड, उनका बर्थडे होते हैं. वो इस दिन क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे, उस दिन वो पैदा हुए थे, तो उसके सेलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं. और इसमें भी क्या करते हैं, केक पिक कट होता है एंड बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी. से गणेश चतुर्थी, वेरी गुड. गणेश चतुर्थी में क्या होता है,
जो गणेश गौर होते हैं, भगवान होते हैं इसकी, इनकी हम क्या करते हैं? वेरी गुड, पूजा करते हैं। ऑलराइट। एंड जो गणेश का फेवरेट क्या होता है, फेवरेट स्वीट होता है उनका मोदक एंड लड्डू, वो इनको क्या करते हैं? पूजा में चढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दुर्गा पूजा। से दुर्गा पूजा, वेरी गुड। दुर्गा पूजा में क्या करते हैं हम? 9 दिन तक जो ये गॉड होती है, देवी होती है, कि हम पूजा करते हैं डेली। एंड फिर लास्ट में क्या करते हैं हम? कन्या जमा कर सबको क्या करते हैं? प्रसाद देते हैं। ओके, सो दिस इज दुर्गा पूजा फेस्टिवल। ओके, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा। से दशहरा, वेरी गुड। दशहरा में क्या करते हैं? दिस इज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ओके, इसमें क्या करते हैं हम? जो रावण होता है उसको हम क्या करते हैं? जलाते हैं। यस। ओके, नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज दीपावली। यू कैन कॉल इट दिवाली, दीपावली, दिवाली सेम है। ओके, दिवाली इज ऑल्सो नो एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली जो त्योहार होता है वो किसका होता है? लाइट्स का होता है। इस दिन हमेशा क्या करते हैं? क्रैकर्स बर्न करते हैं, स्वीट्स खाते हैं, और घर में क्या करते हैं? लाइट्स का त्योहार होता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दिया कैंडल्स। ओके, जो लोग होते हैं वो अपने घर को क्या करते हैं? बहुत सुंदर से डेकोरेट करते हैं विद किसके, उसमें लाइट्स दिया एंड कैंडल्स के थ्रू घर में हर तरफ क्या करते हैं? जलाते हैं। ऑलराइट, कैंडल्स, फ्लावर्स एंड रंगोली। हिंदूज वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी फॉर वेल्थ एंड विजडम। जो हिंदू वर्शिप होते हैं वो क्या करते हैं? हिंदू रिलीजन के लोग इस दिन रंगोली बनाते हैं, लक्ष्मी माता की, गॉड की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ओके, ऑन दिस फेस्टिवल पीपल एक्सचेंज गिफ्ट एंड स्वीट, दे एंजॉय डिलीशियस फूड एंड वेयर न्यू क्लोथ्स। इस दिन सब न्यू न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और हर घर में जाके एक दूसरे को क्या करते हैं? बधाई देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज भाई दूज। नेक्स्ट इज भाई दूज। भाई दूज में क्या करते हैं? ये भी एज इट इज सेम रक्षाबंधन की ऐसा होता है। इसमें भी क्या करते हैं? स्वीट्स खिलाते हैं भाई को, बहन जो सिस्टर होती है अपने ब्रदर को क्या करती है? तिलक लगाती है एंड देन स्वीट्स खिलाती है। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल। नेक्स्ट इज ईद। से ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो उसको सेलिब्रेट करते हैं ईद। ओके, इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमजान। रमजान के कहा जाता है इसे। ओके, ऑन द डे ऑफ ईद दे प्रिपेयर डिलीशियस एंड ग्रीट देयर नियर एंड डियर वंस। मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क टू ऑफर देयर प्रेयर्स। और जो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं क्या करते हैं? वो अपने कहा जाते हैं प्रेयर करने के लिए? मॉस्क जाते हैं। ऑलराइट, और सबसे एक दूसरे से हग करके ये क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं दिस फेस्टिवल। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एंड योर लास्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। ये साल का, ईयर का सबसे लास्ट फेस्टिवल होता है। ओके, जो हम सेलिब्रेट करते हैं। अ क्रिश्चियन क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट 25 दिसंबर। इस दिन हम क्या किस किस में सेलिब्रेट करते हैं? जो हमारे महान लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे उनका ये क्या होता है? बर्थ होता है। ये उस दिन पैदा हुए थे, बॉर्न हुए थे। ओके, पीपल डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। और इसमें लोग क्या करते हैं डेकोरेट? सबसे पहले क्रिसमस का जो ट्री होता है उसको डेकोरेट करते हैं लाइट से और किसके से? स्वीट्स के थ्रू। ओके, दे वेयर न्यू क्लोथ्स। और वह न्यू न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, प्रिपेयर स्वीट्स, स्वीट्स प्रिपेयर करते हैं, मिठाइयाँ, गिफ्ट, केक एंड ग्रीट देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
सेंटा क्लॉज इज सेट टू लीव गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन. और इस दिन जब सेंटा क्लॉज होता है वो बच्चे को आगे क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गिफ्ट्स. यस, वेरी गुड. सो रिपीट वन मोर टाइम, दीज आर द फेस्टिवल्स. यू कैन सी नाउ रिपीट विथ मी, से होली, बैसाखी, ओनम, रामनवमी, गुरुपर्व, स्पीक लाउडली, छठ पूजा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, भाई दूज, ईद एंड द लास्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस. वेरी गुड, क्लैप फॉर एवरीवन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू हैव टू लर्न इट, दीज फेस्टिवल्स नेम. ओके, आपको ये सारे फेस्टिवल्स के नेम लर्न करने हैं. एंड जब स्कूल्स ओपन होंगे ऑन 1st जुलाई, देन यू हैव टू गिव मी द आंसर्स की फेस्टिवल्स के नाम. टेल मी द फेस्टिवल्स नेम एंड कौन कौन से फेस्टिवल्स में क्या क्या किस तरीके से सेलिब्रेट होता है. ओके, सो थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर, एंजॉय योर हॉलीडे, बाय बाय.